हमारी लायबिलिटी क्या होती है? ठीक है, देखो लायबिलिटी का मतलब होता है जो हमारी सरदर्दियाँ होती हैं जो हमें पे करनी है किसी बंदे को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं किसी बंदे से लोन लेता हूँ या किसी मतलब मेरा कर्ज है उस पर, अब मुझे कभी ना कभी तो चुकाना है ना, तो वो मेरी सरदर्दी बन जाएगी जब तक मैं पे नहीं करूँगा। ठीक है, लायबिलिटी हमारा कुछ नहीं होता, हमारा कर्ज ही होता है, जो हमारे कर्जे होते हैं उन्हें हम लायबिलिटीज़ बोलते हैं। ठीक है, और हमारी जो जितनी भी लायबिलिटीज़ होती हैं बिज़नेस की, वो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में होती हैं। मतलब फॉर एग्जांपल कि जितने मेरे टोटल एसेट्स होंगे उतनी ही मेरी लायबिलिटीज़ होती हैं, अगेंस्ट द प्रॉपर्टी होती हैं। ठीक है, अब लायबिलिटीज़ जो होती हैं दो तरह की होती हैं, दो तरह की मतलब एक होती हैं इंटरनल, एक होती हैं एक्सटर्नल। इंटरनल लायबिलिटीज़ का मतलब होता है वो लायबिलिटी जो इनसाइडर्स जो इंटरनल पार्ट्स के लिए होती हैं। फॉर एग्जांपल ऑनर है, तो ऑनर ने जो बिज़नेस को कैपिटल दी है, तो जिस दिन बिज़नेस लिक्विडेशन में जाएगा या फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, तो उस दिन ना ये बिज़नेस जो है उस ऑनर को वापस वो कैपिटल देगा। ठीक है, तो बिज़नेस के लिए ये जो है ना लायबिलिटी, कैपिटल भी एक लायबिलिटी बन जाती है, क्योंकि बिज़नेस जो कैपिटल जो है बिज़नेस का पैसा नहीं है, एक सरदर्दी है, किसी थर्ड पर्सन ने उसको पैसे दिए। ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ एंटिटी कॉन्सेप्ट, हमारा जो एंटिटी कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है कि बिज़नेस और बिजनेसमैन अलग है। बिजनेसमैन बिज़नेस को पैसे देता है, और जब बिज़नेस ख़त्म हो जाएगा तो बिज़नेस जो है वापस रिटर्न में उसको उसकी कैपिटल दे देगा। ठीक है, तो इसलिए हम अकाउंटिंग बिज़नेस की करते हैं ना, तो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल की होती है हमारी लायबिलिटी होती है, इसलिए उसको हम बैलेंस शीट में हमेशा लायबिलिटी में दिखाते हैं। ठीक है, तो कैपिटल हो गई। दूसरा होता है हमारा प्रॉफिट, तो प्रॉफिट भी आपका क्या है, एक इंटरनल लायबिलिटी है, क्योंकि जब बिजनेसमैन ने कैपिटल दी है तो उसके बदले उसको क्या चाहिए, उसको या प्रॉफिट चाहिए ना, या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, रिटर्न में कुछ ना कुछ तो चाहिए। क्योंकि कोई भी बंदा किसी बिजनेस में कैपिटल लगा रहा है तो क्यों लगाएगा भाई, फ़ायदे की नहीं लगाएगा, वरना वो एक बात ये नहीं कह सकता कि कहीं और इन्वेस्ट कर दूँ जहाँ मुझे इंटरेस्ट मिल जाए, मैं FD करा सकता हूँ, मुझे इंटरेस्ट मिल जाएगा, मेरी अर्निंग हो जाएगी, तो मैं आपको क्यों दूँ, क्यों बिज़नेस में लगाऊँ। तो बिज़नेस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको रिटर्न में कुछ ना कुछ दे। अब कुछ ना कुछ देने का मतलब ये है कि भाई प्रॉफिट भी हो सकता है, आपकी क्या कहते हैं उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हो सकता है एक्सेट्रा। तो ये इंटरनल लायबिलिटीज़ होती हैं जो बिज़नेस ऑनर को पे करता है। ठीक है, इनसे इतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना एक्सटर्नल से पड़ता है, क्योंकि वो आउटसाइडर्स के लिए होती, बाहर वालों बाहर के लोग होते हैं जो बिज़नेस में इन्वॉल्व नहीं होते, अंदर इंटरनल पार्ट में इन्वॉल्व नहीं होते। फॉर एग्जांपल कि मैं किसी बंदे से गुड्स परचेज़ कर रहा हूँ और क्रेडिट पे कर रहा हूँ, उधार ख़रीद रहा हूँ, तो जब मैं उधार ख़रीद रहा हूँ ज़ाहिर सी बात है एक दिन मुझे उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो जब वो मुझे पेमेंट करनी है तो वो मेरी सरदर्दी है ना, आज ना तो कल मुझे पेमेंट करनी है, तो वो मेरे जो क्रेडिटर्स हैं जिनसे मैंने माल उधार लिया वो क्या है, मेरी लायबिलिटी है, क्रेडिटर लायबिलिटी हो गए। फॉर एग्जांपल ऐसी बैंक से मैंने ओवरड्राफ्ट ले रखा है, तो ओवरड्राफ्ट में क्या होता है, वो भी एक लायबिलिटी है जो बैंक एक दिन फुलफ़िल कर लेगा मेरे अकाउंट से। तीसरी आता है आपके लोन्स, अगर किसी से मैंने लोन ले रखा है तो वो भी मेरी एक सरदर्दी बन जाती है, या कुछ ऐसे खर्चे जिनको मुझे अभी पे करना है, आउटस्टैंडिंग है। फॉर एग्जांपल किसी एम्प्लॉय की मैंने सैलरी अभी नहीं दी, उससे कहा कि अगले महीने ले लेना, तो सैलरी तो देनी है ना मुझे, आउटस्टैंडिंग है, वो भी मेरी सरदर्दी बन जाती है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये आपकी सारी लायबिलिटीज़ होती हैं जो आपको एक हेडेक दें, सरदर्दियाँ दें। लायबिलिटीज़ की कैटेगरी देखते हैं, तो जो आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ होती हैं वो तीन कैटेगरी में बांटी गई हैं। एक होती है नॉन करंट लायबिलिटीज़, जैसे हमारे करंट और नॉन करंट एसेट्स से सेम ऐसी है कि यहाँ पे भी नॉन करंट लायबिलिटीज़ आएंगी और करंट लायबिलिटीज़ आएंगी। और एक तीसरी आती है कंटिंजेंट लायबिलिटीज़। पहले नॉन करंट लायबिलिटीज़ देखते हैं, तो नॉन करंट लायबिलिटीज़ का मतलब सेम वही होता है जो एसेट्स में होता है, कि जो चीज़ें आपकी एक साल से ज़्यादा चलती हैं, एक साल से ज़्यादा टिकती हैं, उनको नॉन करंट कहते हैं या लॉन्ग टर्म कहते हैं। ठीक है, और करंट में क्या होता है, जो एक साल के अंदर अंदर ख़त्म हो जाए या चेंज हो जाए। ठीक है, तो नॉन करंट लायबिलिटीज़ वो लायबिलिटीज़ होंगी जो एक साल के अंदर अंदर ख़त्म नहीं होंगी, एक साल से ज़्यादा चलेंगी, मोर देन वन ईयर चलेंगी। ठीक है, अब उसमें कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल कि आपका लॉन्ग टर्म लोन, कि मैंने किसी से लोन ले रखा है एक दो साल के लिए। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ मेरी अदर लायबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म अदर लायबिलिटीज़ भी हो सकती हैं, वो कुछ भी हो सकती हैं, मेरे डिबेंचर हो गए। ठीक है, या फिर मैंने कोई प्रोविज़न बना रखा है लंबे समय के लिए, या फिर लाइफ टाइम के लिए एक प्रोविज़न बना रखा है बिज़नेस में किसी चीज़ का। ठीक, तो वो हमारी जो लंबे समय तक चलेंगी वो नॉन करंट या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ कहलाती हैं। और दूसरे आती हैं करंट, जिसे हम शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ भी कहते हैं, जो एक साल के अंदर अंदर ख़त्म भी हो जाती हैं या चेंज हो जाती हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल कि मैं अभी क्रेडिटर के बारे में बता रहा था, तो मैंने जिस बंदे से उधार माल खरीदा उससे क्रेडिट के बेस पे लिया ना, तो उसको जो पेमेंट होगी वो एक साल के बाद तो मैं करूँगा नहीं, हद से हद एक हफ्ता, महीना
या 2 महीने, मैं 1 साल के अंदर अंदर कर दूंगा या फिर थोड़ी बहुत कर दूंगा, जो मेरी क्रेडिटर की अमाउंट ही वो चेंज हो जाएगी। तो मैंने जैसा कहा कि करेंट या शॉर्ट टर्म का मतलब ही होता है जिसमें चेंज आ जाए या ख़त्म हो जाए, ठीक। तो मेरे क्रेडिटर हो गए या मैंने किसी के पर मतलब मुझे बिल पे करना है किसी को, बिल्स पेबल है तो वो, या मेरा बैंक ओवरड्राफ्ट भी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलता, मेरे कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सैलरी वगैरह जो भी मैं बता रहा था। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये आपके करंट हैं, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ हैं जो 1 साल के अंदर अंदर ख़त्म हो जाती हैं। अब एक लास्ट देखते हैं कि कंटिजेंट लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं। तो कंटिजेंट लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है वो चीज़ें, वो पार्ट बिजनेस के जो 1 साल के अंदर अंदर हो भी सकते हैं और नहीं भी, यानी कि कुछ एक स्पेसिफिक इवेंट पे डिसाइड होगा कि मेरी ने लाइबिलिटी बनेगी या नहीं। इसलिए कंटिजेंट लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है डिपेंड ऑन हैपनिंग ऑफ सम स्पेसिफिक इवेंट, कि कुछ इवेंट पर कुछ स्पेसिफिक पार्ट पर किसी चीज़ का हो जाना। तो अगर वो हो जाती है और मेरे सरदर्दी के मतलब मेरे सरदर्दी बन सकती है तो उस चीज़ को हम कंटिजेंट लाइबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि अगर मेरा कोई बिल का डिसऑनर्ड हो जाना तो मेरी लाइबिलिटी बन जाती है, या मेरे अगेंस्ट में, मेरी फर्म के अगेंस्ट में कोई सीयू, किसी ने सीयू कर दिया और वो जो आपका सीयू है, जो केस चल रहा है वो पेंडिंग है अभी मेरे, या तो ना तो हक में है ना मेरे अगेंस्ट में है, तो वो पेंडिंग है। अब वो कुछ भी हो सकता है, वो स्पेसिफिक इवेंट पर पता चल जाएगा, या कोई कभी कोई कभार एक फर्म जो है ना, हमारी जो फर्म है गारंटी दे देती है किसी की, तो अगर वो गारंटी जिसकी दी है और अगर वो कुछ ऐसा कर देता है जिसकी वजह से हमारे ऊपर लाइबिलिटी क्रिएट हो जाए, तो यहाँ पर भी एक कंटिजेंट लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है। और जब ऐसा कुछ होगा जिसकी वजह से मेरे ऊपर लाइबिलिटी क्रिएट हो जाए तो उसे कंटिजेंट लाइबिलिटीज़ कहते हैं।